ज्योति शनि राहु और केतु के साथ साथ मंगल ग्रह के बैड इफेक्ट्स को भी मैरिड लाइफ से दूर रखते हैं। आइए जानते हैं मंगल सूत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आप मंगल सूत्र से संबंधित गलतियां करते हैं तो इनसे संभल जाएंगे। जब शादी के समय कोई फीमेल मंगल सूत्र पहनती है तो उसके बाद से उस सूत्र को उतारना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी मजबूरी में किसी सिचुएशन में उतारना पड़े तो अपने गले में काला धागा ज़रूर डालकर रखें। किसी भी सुहागन फीमेल को किसी अन्य महिला को मंगलसूत्र नहीं पहनाना चाहिए, अपना मंगलसूत्र। ऐसा करने से हस्बैंड की आयु कम हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, और आपसी में हस्बैंड वाइफ में तनाव भी रहता है। किसी तरह फीमेल के जीवन में सिंदूर और बिछिया का महत्व होता है, उसी तरह मंगलसूत्र भी धारण करती हैं। उनके सुहाग को बुरी नज़र से बचाता है ये, और हस्बैंड की लंबी उम्र का क्रोध का प्रतीक माना जाता है। मंगलसूत्र में काले मोती ज़रूरी होते हैं। काले मोतियों के बना मंगलसूत्र शुभ माना जाता है। यही काले मोती बुरी नज़र से पति की रक्षा करते हैं। मंगलसूत्र में सोने का रहना बहुत ज़रूरी है। सोना गुरु के बुरे प्रभाव को कम करता है और मैरिड लाइफ में सुख और ऊर्जा देता है। सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक मंगलसूत्र शुद्ध सोने का होना चाहिए। हर सुहागन स्त्री को मंगलसूत्र का महत्व पता होना चाहिए। और अब आप ये भी जान गई होंगी कि किसी तरह मंगलसूत्र को पहनने से आपके पति की आयु लंबी होती है। इस आसान सी बात को ध्यान में रखकर आप अपनी मैरिड लाइफ को प्रेम और सुख से भर सकती हैं। शो में अब फेसबुक यूजर की समस्या को दूर करने का समय हो गया है। नोएडा से सोनाली का सवाल है कि अपने घर में नया कंस्ट्रक्शन करवाना चाहती है, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, वो क्या करें। एक हफ्ते के लिए अपने घर के चार कोनों में एक नारियल रख दीजिए। एक हफ्ते बाद उठाकर उसको मंदिर में रख दीजिएगा। इसको लगातार 3 हफ्ते कीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आज 21 अक्टूबर है। आज जिनका बर्थडे है उन्हें मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल बहुत अच्छा रहे। क्या क्या करना है, कैसे खुशियाँ आपके पास रहें, आइए आपको बताती हूँ। इस साल आपके बर्थडे में आपको नई स्पिरिचुअल या हम कह सकते हैं आध्यात्मिक तरीके से भी आपकी ग्रोथ होगी। नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे, इसलिए अपने लेसन को फटाफट समेट कर सीख लीजिएगा। जितना हो सके सुबह दूध हल्दी या शाम के समय दूध हल्दी पिया करें। इससे आपका जुपिटर मजबूत होगा और आपको हर काम में मदद मिलेगी। मंगलसूत्र की इतनी सारी बातें आपको बता रही हूँ, अब आइए आपको मार्केट में लेटेस्ट डिज़ाइन के मंगलसूत्र भी दिखा देती हूँ। ये लेटेस्ट फैशन में है। क्या आप जानते हैं सोना पहनने के नियम भी होते हैं? अगर आप ये नहीं जानते तो आइए बताती हूँ। गले में सोना पहनने का अर्थ है कि आपका बृहस्पति कुंडली के लगन भाव में बैठ जाएगा, यहाँ असर देगा। हाथ में सोना पहनने का मतलब है कि आपके अंदर पराक्रम शक्ति आएगी, तीसरे भाव में बृहस्पति सक्रिय हो जाएगा। सोने की वस्तु का दान और उपहार देने से आपका जो प्रिय है उसे जाने अनजाने आप एक प्रॉफिट पहुँचाते हैं। ईशान या साउथ वेस्ट में सोना लाल कपड़े में बांध कर रखें, इससे बृहस्पति को मंगल की सहायता मिलेगी और आपकी समृद्धि बढ़ती है। सोने के साथ नकली आभूषण या लोहा नहीं रखें। कुछ लोग सिक्के रख देते हैं, ये भी उचित नहीं है। ऐसा करने से बृहस्पति अशुभ होकर अपना प्रभाव छोड़ देता है। अगर आप सोने की कोई स्पेशल चीज़ पहनना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर समझ कर ही पहनें।